गुरुग्राम जिले के रहने वाले सतीश कुमार एक शहरी किसान हैं। वो एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने में विश्वास रखते हैं और पिछले कई वर्षों से सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर विभाग से मिली जानकारियों की मदद से कैसे उनकी खेती में मुनाफा बढ़ा है। चिक्कू खूब अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और 80 से 100 रुपए किलो मेरा यहीं से बिकता है। खेती तो ऐसी चीज है जिसमें तो आदमी 100 साल भी लगे रहेगा तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं भाई हमें एडवांस रहें, क्योंकि अगर जो वो चीज़ 10 साल पीछे अपनाई हमने, हो सके है 10 साल बाद कोई और नई चीज़ आ जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं नेट के माध्यम से, यूट्यूब से या टीवी से, या अपने जैसे सरकारी संस्थान है जो नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दे, अपने बागवानी विभाग है उनके संपर्क में रहें। ऐसे ही गाय के गोबर से हम घनामृत जीवामृत, और उससे अलग जो बच गया उसका वर्मी कंपोस्ट से हम वर्मी वास निकाला, क्योंकि आप ये चाहो केमिकल एक लिमिट तक ही जा सको आप, फिर आपकी ज़मीन से कार्बन ख़त्म, सारे मित्र कीट ख़त्म, तो आपकी खेती भी ख़त्म। तो उसमें गाय रखनी भी ज़रूरी है, बागवानी भी ज़रूरी है, और देश को अनाज भी चाहिए तो अनाज भी ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को बैलेंस बना कर रखे। आम मेरा 140 रुपये किलो फार्म से बिक रहा है और एडवांस बुकिंग हर साल। आम ये मान लो आपका एक मेरा दूसरी तरफ फार्म है, उसमें 10-12 पेड़ हैं, जिसमें तो 5-6 पेड़ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। उसी का मान के चलो, उसका अलग से तोला था 70,000 रुपये का आम बिका मेरा। एरिया कितना उसका? 70x70, जिसमें से आपके 50% पौधे छोटे हैं। तो उसी से आप हिसाब लगा लो कितनी आमदनी है, और हम तो खुश हैं ये अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अपना के, उससे इनकम कम से कम आप ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 गुना तो बढ़ी है। सतीश ने निश्चित तौर पर साबित किया है कि कैसे हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से खेती की नई तकनीकों को अपनाया जा सकता है और पारंपरिक खेती के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हरियाणा के किसान अपनी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं। बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।